गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू जेनेटिक्स क्लास, सेकेंड जेनेटिक्स क्लास, और वी कैन से सेकेंड जेनेटिक्स टॉपिक एक्चुअली ना, क्लास तो ये थर्ड हो रही है अपनी, जिसमें हमारे को हमारे जेनेटिक्स के फादर के बारे में पढ़ना है, मेंडल साहब के बारे में। उन्होंने जो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उनको हम अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि पहले तो हमने जनरल पढ़ा भाई क्या क्या आता है, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये चीज़ें आती है जेनेटिक्स के अंदर जो हमने पढ़ ली। अब हम मेंडल साहब को पढ़ेंगे, जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रिगोर जॉन मेंडल, 1822 से 1884 तक इनकी लाइफ जर्नी रही। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ये, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने सोचा था हेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में, इन्होंने बताया था, जो कि आगे जा कर के जिसको जीन्स नाम दिया गया था, कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रखते हैं, ये बात इन्होंने बताई थी। जेनेटिक्स के प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे मिड 19th सेंचुरी में। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था, उनकी क्रॉसिंग करवाई थी, उनके वेजियस स्ट्रेन्स की क्रॉसिंग करवाई थी, और उनके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर, पी प्लांट के ऑफस्प्रिंग में उसके करेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था। ग्रिगोर मेंडल को अपन मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। ग्रिगोर मेंडल ने इनहेरिटेंस के की स्टडी की थी 7 ट्रेट्स पर, पी प्लांट्स के 7 करैक्टर्स के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी, और इन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था टर्म डोमिनेंस और रेसेसिवनेस, प्रभुता और रेसेसिवनेस, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। तो डोमिनेंस और रेसेसिवनेस टर्म इन्होंने सबसे पहली बार यूज़ की थी, और उन्होंने प्रपोज किया था सिमिलरली सेपरेट इनहेरिटेबल करैक्टर्स को भी, हर एक पेरेंट से जो एक करैक्टर आपको मिलता है, जिसको बाद में जो है जीन्स कहा गया था। पहले तो इनको पता ही नहीं था, वो तो बेचारे उसको फैक्टर ही कह रहे थे। इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग अक्सर उनके अंदर ऑब्जर्वेबल वो ट्रेट्स को शेयर करते हैं, मतलब उनके बहुत सारे करैक्टर्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। माता पिता और उनके बच्चों के जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर दिखाई दे रहे होते हैं, उसी को अपन इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस को अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडेलिज्म भी कहते हैं। ये सेट ऑफ प्राइमरी ट्रेट्स है जो कि ट्रांसमिशन, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसमिशन से रिलेटेड होते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से उनके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, और किसके तहत? जेनेटिक्स के तहत ही जाएंगे। ऐसा नहीं कोई भी कभी भी कैसे भी चला गया, नहीं होता, नहीं, एक पूरी जेनेटिक्स का पैटर्न वो फॉलो करते हैं। इसको इनिशियली ये डिराइव किया गया था ग्रिगोर जॉन मेंडल के वर्क से, और फिर पब्लिश हुआ था 1865 और 1866 में, जिसमें रीडिस्कवर्ड 1900 में इसको किया गया था इनिशियली, जो कि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था। जो यूनिट्स इनहेरिटेंस की होती है उसको अपन जीन्स के एलील्स कहते हैं। ट्रेड्स इन एलिल्स के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, जो कि जीन्स की अल्टरनेट फॉर्म है। एलिल्स क्या है? जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है, जो कि ट्रेड्स को कंट्रोल करती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं पर्टिकुलर जीन लोकस के अंदर, ये एलिल्स, एलिल्स जीन लोकस में होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। डोमिनेंट एलिल जो है मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलिल, डोमिनेंट एलिल दूसरे एलिल के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, यानी छुपा देता है, खुद दिखाई देने लगता है, दूसरा दिखता नहीं, जो दिखता नहीं उसको अपन रेसेसिव एलिल कहते हैं। जीनोटाइप का मतलब है इंडिविजुअल के एलिल्स, एलिल्स टू द एलिल्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स एट फर्टिलाइजेशन, वो एलिल्स जो इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन से रिसीव करता है उसको अपन जीनोटाइप कहते हैं। दो तरह के होते हैं, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। होमोजाइगस जब एक ही जीन लोकस पे दो एक जैसे एलल्स पाए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में दो एक जैसे, दो आइडेंटिकल एलल्स होते हैं एक जीन लोकस पे, तो वो होमोजाइगस। और हेटरोजाइगस एक ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग एलल्स होते हैं एक जीन लोकस पे, तो वो हेटरोजाइगस कहलाते हैं। तो ये जीनोटाइप से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अपन पढ़ते हैं। फिर फिनोटाइप, किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल अपीयरेंस को अपन फिनोटाइप कहते हैं, कि वो कैसा दिख रहा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, नाटा है, जैसा भी है वो उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। अब टर्म आते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव, ये वो सारे टर्म्स हैं जो हमारे को जेनेटिक्स समझने के लिए सबसे पहले सीखनी होगी।
डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट एलील को अपन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और ये वो एलील है जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, चाहे उसमें वो बी बी कैपिटल यानि डोमिनेंस फॉर्म में मौजूद हो या लार्ज बी स्मॉल बी जो कि हेटरोजाइगस। पहले वाले बी बी जो हैं वो होमोजाइगस हैं और बाद वाले हेटरोजाइगस हैं। तो वो एलील जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है या अपने आप को शो करता है या अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको अपन डोमिनेंट एलील कहते हैं। जबकि रिसेसिव एलील जो है वो रिप्रेजेंट लोअर केस लेटर में, स्मॉल लेटर्स में अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये केवल एक्सप्रेस तब होता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इट इज़ ओनली एक्सप्रेस व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ टू, वन फ्रॉम मॉम एंड वन फ्रॉम डैड। जब दोनों एलील्स आ रहे हों तो ही एक्सप्रेस होएगा। माँ से भी वही मिल रहा है और फादर से भी वही मिल रहा है, यानी होमोजाइगस स्टेट में तभी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा, जबकि रिसेसिव एलील अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, उसको अपन रिसेसिव कहते हैं। दूसरा नाम आ रहा है जीनोटाइप फिनोटाइप। जीनोटाइप हमने कहा ये एक जेनेटिक मेकअप है किसी इंडिविजुअल का जिसको अपन लेटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ, जैसे बी बी होमोजाइगस, बी बी हेटरोजाइगस और स्मॉल बी अगेन होमोजाइगस। फिनोटाइपिक फिजिकल अपीयरेंस है किसी इंडिविजुअल का जिसको डिटरमाइन अपन उसके जीनोटाइप के बेसिस पर कर रहे हैं, हिज और हर जीनोटाइप, जैसे ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, शॉर्ट, टॉल, ये सारे कैरेक्टर्स फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। क्या होता है होमोजाइगस? जब दोनों एलील्स किसी जीनोटाइप के सेम होते हैं, या तो दोनों डोमिनेंट हैं जैसे कैपिटल बी कैपिटल बी, या फिर दोनों रिसेसिव हैं स्मॉल बी। हेटरोजाइगस जब एक एलील डोमिनेंट और एक एलील रिसेसिव कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो उसको अपन हेटरोजाइगस कहते हैं। अब पुन्नेट स्क्वायर्स क्या है भाई? इसका यूज़ किया गया था दो पेरेंट्स के बीच में जब मेटिंग हो रही होती है और उनके कैसे ऑफस्प्रिंग आएंगे, ऑफस्प्रिंग के प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी को देखने के लिए। जैसा ये आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, फोर स्क्वायर, तो ये ऐसे लिख करके जब अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पुन्नेट स्क्वायर है। अब मेंडल ने जो सेवन कैरेक्टर्स पी प्लांट के ट्रेड्स जो ऑब्जर्व किए थे, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो इसको एक या दो फॉर्म्स में। तो देखिए भाई, फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट उसने लिया, इसको रेड वाइट भी आप कह सकते हो। दूसरा, फ्लावर की पोजीशन ली थी कि या तो एक्सियल हो गया टर्मिनल। तीसरा, स्टेम लेंथ ली थी टॉल भी और ड्वार्फ भी। सीड की शेप राउंड भी और रिंकल भी सीड उसने लिए थे। सीड का कलर येलो कलर और ग्रीन कलर में सीड लिए। पॉड की शेप या तो इन्फ्लेटेड होता है, जो फली थी पॉड शेप मतलब फली, या तो इन्फ्लेटेड फूली हुई या कॉन्स्ट्रक्टेड सिकुड़ी मुरझाई हुई सी, और पॉड का कलर ग्रीन या येलो। तो इसमें जो भी फर्स्ट लिखे हुए हैं पर्पल, एक्सियल, टॉल, राउंड, येलो, इन्फ्लेटेड ग्रीन, ये सब डोमिनेंट है, और इसके बाद वाले कैरेक्टर सारे रिसेसिव थे जो हमें आगे के एक्सपेरिमेंट्स में पता चला था। अब मेंडल्स ने जो सेवन पी कैरेक्टर्स लिए थे उसमें ट्रू ब्रीडिंग प्लांट से उसने ऑफस्प्रिंग लिए, ऑफस्प्रिंग बनाए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट से। तो उसने देखा कि वो सेम थे पेरेंट्स, हर बार पेरेंट्स से एवरी टाइम सेम थे। उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट डेटा से मेंडल ने डिडक्ट किया, डिड्यूस किया ऑर्गेनिज्म को कि उसमें हमेशा दो जीन्स होते हैं यानी दो एलील्स हैं हर एक इनहेरिटेड करेक्टर्स के लिए, और एक करेक्टरिस्टिक जो है वो एक पेरेंट से आता है। तो ये सेवन कैरेक्टर्स विद डायग्राम बताए हुए हैं भाई, आपको देख लीजिए। अब मेंडल ने डिड्यूस किए थे कुछ अंडरलाइन प्रिंसिपल्स जेनेटिक्स के इन्हीं पैटर्न से। तो वो प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल मेंडल साहब ने मेन दिए थे, या तीन आप कहिए लॉस दिए थे, चाहे प्रिंसिपल कह दीजिए चाहे लॉस कह दीजिए, एक ही बात है। तो उन्होंने तीन प्रिंसिपल या तीन लॉस दिए थे। फर्स्ट वन इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हिंदी में पता नहीं मुझे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही बोलते हैं इसको। अब ये मेंडल के डेटा जो उनको मिले थे, एक्चुअल रेशियो और प्रोबेबिलिटी रेशियो, भाई देखो जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाई पेरेंट्स की तो F1 जनरेशन में अलग अलग कलर्स दिखाई दिए थे,
तो ये 3:1 हमेशा F1 रेशियो के फिनोटिपिक करेक्टर है और बाकी एक्चुअल रेशियो यहाँ बताया गया है। इसको आप डायग्राम को देखते रहिएगा, चार्ट को देखिए। आगे सबसे पहले आप मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब दो एलल्स अलग अलग होते हैं यानी हेटरोजाइगस फॉर्म में होते हैं, ट्रेट एसोसिएटेड विद ओनली वन ऑफ दीज विल बी विजिबल। अगर कोई भी ट्रेट है जिसमें दो हेटरोजाइगस कंडीशन दिखाई दे रही है तो उनमें से केवल एक ही करैक्टर अपने आप को दिखाएगा, और जो दिखाएगा उसको अपन डोमिनेंट करैक्टर कहते हैं। जो छुप जाता है, जो दिखाई नहीं देता फर्स्ट F1 जनरेशन में, उसको अपन हिडन या रेसेसिव करैक्टर कहते हैं। जैसे कैपिटल बी डोमिनेंट है, स्मॉल बी रेसेसिव है। तो ये स्क्वायरिंग करवाई। तो जब हम दो ऐसे पेरेंट्स की, भाई प्योर पेरेंट्स की जब आप क्रॉसिंग करवा रहे हो, तो F1 जनरेशन में जो करैक्टर दिखाई देगा वो डोमिनेंट करैक्टर कहलाएगा। हाइब्रिड यूनियन में एलल जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं फिनोटिपिकली, तो वो डोमिनेंट एलल में ही दिखाई देंगे। और जो एलल अपने आप को एक्सप्रेस करने फेल हो जाता है, फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको अपन रेसेसिव एलील कहते हैं। ये हाइब्रिड इंडिविजुअल, हाइब्रिड क्यों वर्ड बोला है, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि प्योर नहीं अगर हैं तो भी, तो फिनोटिपिकली केवल डोमिनेंट करैक्टर को ही वो दिखाएंगे। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जिसको अपन मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये दिखाए गए हैं भाई गैमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग करवाई, तो आपको F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल प्लांट्स मिले सारे के सारे। हाइब्रिड टॉल क्यों, क्योंकि उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। इसका फिनोटिपिक करैक्टर, जीनोटिपिक करैक्टर, जो टी टी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीनोटाइप है, और जो हाइब्रिड टॉल अपन बोल रहे हैं वो फिनोटिपिक करैक्टर है। ऐसे ही जब हमने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट्स लिए थे तो वो फिनोटिपिक करैक्टर था पेरेंट्स का, और उनके गैमेट्स जो हमने दिखाए वो उसका जीनोटिपिक करैक्टर है। फिर हाइब्रिड टॉल की जब हमने दोबारा क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे को F2 जनरेशन के अंदर होमोजाइगस हेटरोजाइगस दोनों मिले, होमोजाइगस टॉल भी मिला, होमोजाइगस ड्वार्फ भी मिला, और हेटरोजाइगस टॉल भी मिला। तो फिनोटिपिक उसका रेशियो था 3:1, यानी 3 टॉल मिले 1 ड्वार्फ मिला F2 रेशियो में। तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ मिला, इसका मतलब ये डोमिनेंस था, टॉलनेस का जो जीन था वो डोमिनेंस था। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फर्स्ट लॉ था वो किस पे बेस्ड था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब एक ही करैक्टर को लेकर के हम क्रॉसिंग करवाते हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, और जब दो करैक्टर्स को लेकर के हम क्रॉसिंग करवाते हैं, दो करैक्टर्स की स्टडी हमको करनी होती है, जैसे टॉलनेस और फ्लावर का कलर ले लीजिए, तो हाइट या कलर ले लीजिए फ्लावर का कलर, तो आपने क्रॉसिंग करवाई तो उसको अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो ये क्रॉसिंग आपको बनानी है भाई, क्वेश्चन आ जाए तो। अब ये डाईहाइब्रिड क्रॉस दिखाई गया, इसमें आपने रेड येलो के साथ में डाईहाइब्रिड क्रॉस को लिया है, पेंटल जनरेशन नहीं सॉरी डाईहाइब्रिड नहीं है सॉरी मोनोहाइब्रिड, इसमें कहाँ दो करैक्टर, रेड येलो एक ही करैक्टर लिया हुआ है। तो इसकी ढंग से जब हमने क्रॉसिंग करवाई, डोमिनेंट एलल सीड शेप अराउंड है, स्मॉल ये कैपिटल आर, स्मॉल आर रेसेसिव एलल, सीड शेप रिंकल है नहीं, हाँ शेप और कलर दोनों लिए ना अपन ने, हाँ ये डाईहाइब्रिड क्रॉस ही है। फिर येलो अपन ने लिया, डोमिनेंट एलल सीड कलर येलो है, और स्मॉल वाई जो रेसेसिव एलल है सीड कलर का जो ग्रीन है, इससे अपन ने क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे को रेशियो मिला क्या मिला, 9:3:1, ये फिनोटिपिक रेशियो मिला, जिसमें 9 रेड और येलो सॉरी राउंड और येलो प्लांट आपको मिले, राउंड सीड शेप और येलो सीड का कलर 9 मिले, 3 जो है वो आपको राउंड और ग्रीन मिले, 3 जो है वो रिंकल्ड और येलो मिले, और 1 जो है वो आपको रिंकल्ड और ग्रीन मिला। तो 9:3:1 की करैक्टर में आपको ये दिखाई दी है। अब दूसरा लॉ भाई, ये क्या बताया गया, एक्चुअली बताया गया कि अगर अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो हमारे को फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा 3:1, और यही अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा 9:3:1। अब आ जाइए मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस था, ये मोनो हाइब्रिड पर नहीं था, ये डाई हाइब्रिड पर बेस था, जबकि डोमिनेंस वाला तो दोनों में आप करवा सकते हो, डोमिनेंस हमेशा डोमिनेंस ही रहेगा।
अब सेग्रीगेशन लॉ कहता है कि नॉर्मल या सोमैटिक सेल जो होती है उसमें दो वेरिएंट्स या एलील्स पाए जाते हैं मेंडेलियन ट्रेट के लिए, इसमें गैमेट चाहे स्पर्म एग पोलन ओव्यूल कुछ भी ले लीजिए जिसमें वन एलील ही होगा हमेशा। मेल में स्पर्म में एक ही एलील है, एग में एक ही एलील है, पोलन में एक ही एलील है, ओव्यूल में एक ही एलील है। रैंडमली इन्होंने चूज़ किए दो सोमैटिक एलील्स को, जैसे कि एक एलील था ब्राउन आइज के लिए और एक था ब्लू आइज के लिए। ब्राउन आइज को कैपिटल बी और ब्लू को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। सोमैटिक सेल के अंदर कैपिटल स्मॉल बी है, हर एक गैमेट के अंदर कैरी किया गया था या तो कैपिटल बी या स्मॉल बी, रैंडमली हमने चूज़ किया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो एलील्स का सेपरेशन है वो सेपरेट गैमेट्स में हो रहा है। हर एक इंडिविजुअल दो फैक्टर्स हैं एक ट्रेट के लिए, ये फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं यानी सेपरेट होते हैं जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और हर एक गैमेट के अंदर एक फैक्टर आएगा, उस एक फैक्टर के पेयर्स में से एक फैक्टर आएगा। फर्टिलाइजेशन से नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें वापस दो फैक्टर्स आ जाएंगे हर एक ट्रेट के लिए, हर एक करेक्टर के लिए। तो ये देखिए क्रॉसिंग करवाई पेरेंट्स के बीच में, ये इनके गैमेट्स बने और फिर इनकी क्रॉसिंग से जो F1 जनरेशन प्रोडक्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी आपको दिखाई दे रहा है। फिर इनकी वापस सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया और फिर हमारे को ऑफस्प्रिंग मिले। तो हमें पता चला क्योंकि हमने पेरेंट्स में एकदम प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ लिया, पर जब हमने देखा कि जो हमारे को रेशियो मिला था स्टार्टिंग में, तो हमने फिनोटिपिक रेशियो देखा 3:1 था, पर बाद में हमने देखा 1:1 जो रेशियो था 1:2:1, जिसमें प्योर टॉल भी थे, इम्प्योर टॉल भी थे और प्योर ड्वार्फ भी थे। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा प्योर टॉल वाले एलील प्योर टॉल के साथ ही रहेंगे और प्योर ड्वार्फ वाले प्योर ड्वार्फ के साथ ही रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें क्रॉसिंग में वापस से देखिए तो हमारे को जीनोटिपिक रेशियो मिला था 1:2:1, 1 प्योर टॉल था, 2 इम्प्योर टॉल था और 1 प्योर ड्वार्फ था। इसका मतलब जरूरी नहीं है कैपिटल टी हमेशा कैपिटल टी और स्मॉल टी हमेशा स्मॉल टी के साथ में ही रहेगा। जो 1:2 में 2 जो है वो बता रहे कैपिटल टी स्मॉल टी भी साथ में रह रहे होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट गलत बोल दिया था, मैं सही बोल दूं कि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पे नहीं था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड पे था, थर्ड लॉ जो था वो डाईहाइब्रिड पर बेस था। सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, बस फर्क जो है वो मोनो हाइब्रिड और डाईहाइब्रिड वर्ड का ही है कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो पता चला कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में भी रह सकता है, तो रेशियो जो है वो इम्प्योर टॉल का आपको दिखाई देगा। ये है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब जब गैमेट्स बनते हैं तो जीन्स ये जो थे ये गैमेट्स में जो एलील्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सेपरेट हो सकते हैं, इसलिए इसको सेपरेशन का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपन कहते हैं। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस था, मैंने आपको बताया क्या होता है जब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स दो डिस्टिंक्ट फॉर्म के ट्रेट के लिए आपने क्रॉस करवाए, तो प्रोजेनी में केवल एक फॉर्म ही ट्रेट का दिखाई देगा। यह ऑब्जर्व ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होता है, जो छुप गया है वो ट्रेट रेसेसिव कहलाता है। प्रोजेनी क्या होते हैं, जेनेटिक डिसेंट या ऑफस्प्रिंग को अपन प्रोजेनी कहते हैं, जो नई जनरेशन आई उसको अपन प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग कहेंगे। जब हम देखते हैं कि एक ट्रेट चाहे आई का कलर या हाइट हो, उस एक ट्रेट को लेकर अगर अपन क्रॉसिंग करवा रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पेरेंट्स को अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंटल जनरेशन, चाइल्ड को अपन F1 जनरेशन यानी फाइलियल जनरेशन कहते हैं, F फाइलियल और F1 है तो फर्स्ट ऑब्वियस है। ग्रैंड चिल्ड्रन जब होते हैं तो उनको F2 या सेकेंड फाइलियल जनरेशन कहा जाता है। ये क्रॉसिंग बताई गई टॉल और शॉर्ट फीमेल पेरेंट में से ये फीमेल गैमेट्स बने, फिर फिनोटिपिक रेशियो आया तो 3:1 आया, पर जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आया। दो हिटरोजाइगस पेरेंट्स के प्रोडक्ट्स गैमेट्स बने, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील इक्वली फ्रीक्वेंटली वो डिवाइड हो गए, तो ऑफस्प्रिंग में कुछ इस तरह का रेशियो दिखाई दे गया। अब थर्ड पे आ जाए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मैंने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है वो आपने सही कर लिया था भाई। डोमिनेंस तो मोनो हाइब्रिड डाइब्रिड दोनों में बताते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बताते हैं या पॉली हाइब्रिड फॉर्म्स के गैमेट्स पे बताते हैं। इसमें हर एक गैमेट रिसीव करता है एक एलील को अपने हर एक एलील पेयर से, फिर एलील्स का असॉर्टमेंट होता है अलग अलग ट्रेड्स पर जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जब ये ट्रेड्स असॉर्ट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिनल कॉम्बिनेशन से। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पेरेंट्स लिए थे उसके अंदर रेड फ्लावर टॉल प्लांट के साथ थे
और ड्वार्फ प्लांट के साथ में वाइट फ्लावर थे तो जनरेशन में भी सेम आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेड के साथ में टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। वाइट के साथ में भी टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं एक दूसरे से इनडिपेंडेंट है, एक दूसरे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाता है हमें बात। कि हम दूसरे शब्दों में कहें कि हर एक एलेल जो एक पेयर का है वो फ्री है उसको कंबाइन होने के लिए, क्यों किसी भी एलेल के साथ में कंबाइन हो सकता है रिमेनिंग पेयर्स के साथ में और अपने गैमेट्स को बना सकता है। इसको अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ करेक्टर्स कहते हैं। ये मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी कहलाता है। इसमें कहते हैं ये प्रिंसिपल कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, मेंडल ने एक्सप्लेन किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, जिसमें उन्होंने कॉटिलेडन कलर के करेक्टर्स लिए और सीड शेप लिया, येलो राउंड राउंड रिंकल्ड। मेंडल क्रॉस कराए, मेंडल साहब ने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को पी की जिसमें येलो कॉटिलेडन्स और राउंड सीड्स थे YYRR। दूसरी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली जिसमें ग्रीन कॉटिलेडन्स के साथ में रिंकल्ड सीड इन्होंने लिए, यहाँ ग्रीन और रिंकल्ड आप लिख लीजिएगा, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है ऊपर वाले पॉइंट में। फिर इन्होंने येलो राउंड पेरेंट के जीनोटाइप लिए, ग्रीन रिंकल पेरेंट्स ये जीनोटाइप लिए, हर एक पेरेंट जो था वो होमोजाइगस था दोनों करेक्टर्स के लिए कलर और शेप के लिए, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, एक तरह का गैमेट मिला। फिर ये पेरेंट्स ने प्रोड्यूस किया ऑल YR टाइप गैमेट्स एंड द YYRR विल प्रोड्यूस ऑल YR टाइप गैमेट्स, ऐसे इसे गैमेट्स बने, गैमेट्स बनाने आपको आते ही हैं। फिर F1 डाइहाइब्रिड रिजल्ट में जो फ्यूज़न उनको मिला था डबल हेटरोजाइगस का मिला YYRR जीनोटाइप का, जो कि कैसे दिखाई दे रहे थे, येलो राउंड सारे के सारे F1 जनरेशन में येलो राउंड दिखाई दे रहे थे जो डोमिनेंट करेक्टर था। ये इंडिकेट करता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी हर एक पेयर जो है एलेल्स का बिहेव कर रहा है एग्जैक्टली वैसे जैसे मोनोहाइब्रिड में कर रहा था, यानी F1 में आपको डोमिनेंस दिखाई दिया था, दोनों डोमिनेंट थे वाई और आर, एक्सप्रेस किए इन्होंने अपने आप को F1 जनरेशन में, जबकि रेसेसिव एलेल्स जो है वो छुपे हुए रह गए स्मॉल वाई स्मॉल आर, इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। अब मेंडल साहब के अकॉर्डिंग जो गैमेट फॉर्मेशन F1 डाइहाइब्रिड से हुआ था एलेल्स में, दोनों पेयर्स आए वाई कैपिटल आर स्मॉल आर फर्स्ट, ये सेग्रीगेट हुए एक दूसरे के साथ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत। फिर उन्होंने ये जो पेयर्स थे हर एक पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली हुए पेयर में, फिर ये एलेल्स जो है वो गैमेट्स में गए और गैमेट्स ने रिसीव किया केवल एक ही एलेल को उस पेयर में से। सिमिलरली उन गैमेट्स ने रिसीव किए फैक्टर्स जीन्स को अपने कलर के लिए भी, मस्ट ऑल्सो रिसीव फैक्टर फॉर शेप, जिन्होंने कलर का करेक्टर लिया उन्होंने शेप का करेक्टर भी लिया था। फिर इन गैमेट्स ने रिसीव किया वाई को कलर के लिए, आर आर शेप के लिए, तो इस तरह के इनके पेयर्स कुछ बन गए YR कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल R, इस तरह के गैमेट्स बने। सिमिलरली ये गैमेट्स ने रिसीव कलर वगैरह के लिए भी किया, ठीक है, इस तरह के पेयर्स भी इनके बने। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं F1 डाइहाइब्रिड ने चार टाइप्स के गैमेट्स बनाए, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल Y कैपिटल R स्मॉल Y स्मॉल R इक्वल प्रोपोर्शन बने। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ में ही रहेगा और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ में ही रहेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ में भी था, यानी ये जो करैक्टर्स हैं अलग अलग वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं। देयर विल बी फोर टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड फोर टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट्स फॉर्म्ड बाय द F1 डाइहाइब्रिड। तब डाइहाइब्रिड से ऐसे गैमेट्स बनेंगे, देखिए प्योर राउंड प्योर येलो राउंड के साथ में प्योर ग्रीन रिंकल के साथ में क्रॉसिंग करवाई तो डाइहाइब्रिड बने येलो राउंड, सेग्रीगेशन हुआ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हुआ इनका, सेग्रीगेशन भी ऊपर दिखाया गया नीचे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया गया। F1 जनरेशन में ये सारे प्लांट्स आपको दिखाई दिए किस रेशियो में, 9-3-3-1 के रेशियो में दिखाई दिए। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब अपन ने करवाया इनका, इन ब्रीडिंग करवाई मतलब F1 डाइहाइब्रिड की, तो F2 जनरेशन हमारे को मिली जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स में मैक्सिमम डाइहाइब्रिड यूनियंस आपको पुनर्ट चेकर बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। इनको अपन ने चार काइंड के ग्रुप में डिवाइड कर लिया, फिनोटिपिक अपीयरेंस येलो राउंड भी प्लांट आपको मिले, येलो रिंकल्ड भी मिले, ग्रीन राउंड भी मिले और ग्रीन रिंकल्ड भी मिले 9-3-3-1 के रेशियो में। इसको अपन फिनोटिपिक डाइहाइब्रिड रेशियो कहते हैं।
क्या कहते हैं, फिनोटिपिक डाइहाइब्रिड रेशियो। ये 16 स्क्वायर्स का चेकर बोर्ड था, सीरियल नंबर इसमें दिए गए आपकी कन्वीनियंस के लिए, वो जो बना था ना स्टार्टिंग में, देख लीजिए आप उसको। ये स्क्वायर 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक F2 ऑफस्प्रिंग के 16 स्क्वायर्स में दिखाई दे रहे हैं। इनको काउंट करिए स्क्वायर्स को, तो आपको चार अलग तरह के फिनोटाइप्स दिखाई देंगे, उनका रेशियो दिखाई देगा F2 जनरेशन का। अब मेंडल केम टू द फोर इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन्स, के चार इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन्स आए थे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के, कि इनहेरिटेंस हर एक ट्रेट का जो है वो डिटरमाइंड होता है यूनिट्स AA, फैक्टर AA से, जिनको आजकल अपन जीन्स कहते हैं, ये पास्ट होते हैं यानी डिसेंड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में बिना चेंज हुए। दूसरा, हर एक इंडिविजुअल इनहेरिट करता है हर एक यूनिट को अपने पेरेंट्स से, मतलब अपने पेरेंट्स से अपने करेक्टर्स को लेंगे, हर ट्रेट को लेंगे। हर ट्रेट, एक ट्रेट जो है मे नॉट शो अप इन एन इंडिविजुअल बट कैन स्टिल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो हर एक ट्रेट अगर जरूरी नहीं किसी एक इंडिविजुअल में दिखाई दे रहा है, पर वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जरूर पास होएगा और किसी ना किसी जनरेशन में वो दिखाई देगा। ये जीन्स जो है हर एक ट्रेट के लिए वो सेग्रीगेट भी होते हैं, अपने आप को अलग भी करते हैं पृथक्करण के नियम के तहत गैमेट प्रोडक्शन के दौरान। बस इसके साथ आपका ये मेंडेलियन लॉ ख़त्म। वैसे तो आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में, आपकी जेनेटिक्स पूरी अच्छे से डिटेल में थी, और मेंडल साहब को हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 10th में भी पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा आप लोगों कोई भी, और कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी।